मजा आया। लेकिन कभी कभार थोड़ी देर के लिए कोई और गाड़ी में बैठना पाप है क्या? पर आदमी को क्या दिया? दिमाग दिया, क्यों दिया? सोचने के लिए, झूठ बोलने के लिए, दो चार गर्लफ्रेंड साइड में रखने के लिए। आदमी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए और उसके ऊपर थोड़ा सा झूठ बोले तो उसकी पत्नी उसको कभी पकड़ ही नहीं सकती। फरहाद समझी ने अब तक किन फिल्मों में काम किया और किन किन भाषाओं में वीरम का रीमेक बनाया जा चुका है? फिल्म कभी ईद कभी दिवाली ईद पर आएगी या बकरा ईद पर? मैं सादिया अनवर आज बॉलीग्राड स्टूडियोज में कभी ईद कभी दिवाली फिल्म से जुड़ी कुछ खास चर्चा करूंगी। 2014 में शिवा के निर्देशन में तमिल एक्शन फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक कभी ईद कभी दिवाली, फरहाद समझी के निर्देशन में इसकी फिल्मिंग इसी साल अक्टूबर में शुरू की जाएगी और 2022 में बकरा ईद को रिलीज की जाएगी। यानी इस साल सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली के साथ नहीं बल्कि राधे फिल्म के साथ ईद मनाएंगे। इस साल फरहाद समझी और साजिद नाडेवाला दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, एक अक्षय कुमार और कृति सैनन स्टारर फिल्म बच्चन पांडे और दूसरी सलमान खान और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म कभी ईद कभी दिवाली। कॉमेडी हॉरर फिल्म लक्ष्मी का स्क्रीन प्ले लिखने वाले फरहाद समझी ने अपनी फिल्मी करियर में सिंघम, बागी 3, स्ट्रीट डांसर 3D, कुली नंबर 1 जैसी चर्चित फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं। साथ ही 2019 में कॉमेडी हॉरर वेब सीरीज बू सबकी फटेगी और उसी साल एक्शन कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 4 का निर्देशन किया था। अब बात करें इनके निर्देशन में आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की, तो किक सीरीज के डायरेक्टर साजिद नाडेवाला ने वीरम के रीमेक कभी ईद कभी दिवाली की कहानी पर काम करना किक 2 के प्रोजेक्ट से पहले ही शुरू कर दिया था। यानी साल 2021 और 2022 में सलमान खान की फिल्में छाई रहेंगी, क्योंकि इन दो फिल्मों के साथ बॉलीवुड के भाईजान की और भी कई फिल्में कतार में हैं, जैसे कि राधे, अंतिम, टाइगर 3 इंशाल्लाह, पार्टनर 2 और शेर खान। इनमें से पार्टनर 2 और शेर खान अभी होल्ड पर हैं, वहीं कभी ईद कभी दिवाली फिल्म पर काम टाइगर 3 की शूटिंग और राधे फिल्म के प्रमोशन के बाद जल्द शुरू कर दिया जाएगा। तो इस ईद पर राधे भाई हमें एंटरटेनमेंट की ट्रीट देंगे एक नंबर। चलते हैं अब वीरम फिल्म की ओर। बता दें कि अजीत कुमार और तमन्ना स्टारर तमिल एक्शन फिल्म वीरम ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी धमाकेदार सफलता प्राप्त की थी कि इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी में डब करने के साथ 2017 में फिर से इसका तेलुगु भाषा में कता मराइडू नाम से और कन्नड़ भाषा में ओडिया नाम से रीमेक लाया गया। द हिंदू न्यूज़पेपर के इंडियन फिल्म क्रिटिक सुदीश कामत के मुताबिक वीरम के सीन्स मुरत्तु काले, अन्ना मलाय और बादशाह से इंस्पायर्ड हैं। साथ ही इसकी शूटिंग ने हैदराबाद का रुख किया था और इस फिल्म के एक स्टंट सीक्वेंस के लिए अजीत ने ओरिसा बॉर्डर का रुख किया था। तो ऐसे में ये सोच है कि इसके आने वाले हिंदी रीमेक कभी ईद कभी दिवाली फिल्म की शूटिंग कहाँ रुख करेगी? कहाँ रुख करेगी? तेलंगाना ही या फिर यूपी या मध्य प्रदेश या दिल्ली या महाराष्ट्र? क्योंकि इन राज्यों में कम्युनल राइट्स के किस्से ज्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखते हैं इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम भाइयों को कैसे इंसानियत का रंग लगाया जाएगा। फिल्म से जुड़ी आने वाली अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं सादिया अनवर लेती हूँ आपसे इजाजत। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।